हेलो गाइस, वेलकम टू रियल कापेक्स। एंड कैसे आप सब लोग? तो गाइस, आज हमारे सामने जो मॉडल खड़ा है ये है टाटा पंच 2023 मॉडल। एंड ये कार में कंपनी ने काफ़ी सारे चेंजेस कर दिए। पहले मैं आपको बता दूं, ये जो वेरिएंट खड़ा है सामने ये AMT वेरिएंट है इसका। एंड जो चेंजेस आए हैं, अब आप बोलोगे यार चेंजेस तो कुछ लग नहीं रहे, क्या चेंजेस हैं? तो भाई जो चेंजेस हुए हैं ना वो अंडर द हुड हुए हैं। अब ये जो कार खड़ी है आपके सामने ये BS6 फेज 2 कम्प्लाइंट है। तो BS6 फेज 2 कंप्लाइंट में चेंजेस क्या हो गया आप बोलोगे? पहले हम बात करते हैं यार, ये BS6 फेज 2 कंप्लाइंट है क्या? जो नॉर्म्स फेज 2 नॉर्म्स आए हैं वो है क्या बेसिकली? तो बेसिकली होता क्या है यार कि गवर्नमेंट कुछ कुछ इंटरवल्स के बाद ये जो नॉर्म्स होते हैं ये एयर पॉल्यूशन से रिलेटेड होते हैं। एंड गवर्नमेंट कुछ कुछ इंटरवल्स के बाद नए नए नॉर्म्स निकालती है। एंड जो कार कंपनीज हैं वो उन्हीं नॉर्म्स के अकॉर्डिंग अपने इंजन में कुछ अपडेट्स करती हैं, अपने इंजन को रिफाइन करती हैं ताकि वो उस नॉर्म्स के अकॉर्डिंग काम कर सके एंड आपका जो एयर पॉल्यूशन है उसे कंट्रोल कर सके। बिकॉज जब भी फ्यूल बर्न होता है इंजन में तो जो वो गैसेस प्रोड्यूस करता है उससे हमारे को एक एयर पॉल्यूशन होता है हमारे इन्वायरमेंट पे। एंड जो नॉर्म्स आते हैं वो उसी से रिलेटेड आते हैं कि ताकि आपके एयर पॉल्यूशन को कंट्रोल कर सके। तो जो नए नॉर्म्स आए हैं, जो फेज 2 नॉर्म्स आए हैं BS6 के, उसके अकॉर्डिंग ये कार दोबारा से मॉडिफाई हुई है। एंड जो अपडेट्स आए हैं इस कार में उसकी वजह से इस कार में जो एक NVH लेवल है वो डाउन हो चुका है। अब इस कार में जो ये कार 3 सिलेंडर कार आती है, इस कार में पहले के जितना नॉइज और वाइब्रेशन नहीं रहा, ऐसा लोग बोल रहे हैं। तो आज की वीडियो में हम चेक करेंगे कि इस बात में कितनी सच्चाई है एंड क्या सच में इस कार में जो नॉइज और जो वाइब्रेशन था वो कम हुआ है या नहीं। इट्स अ 3 सिलेंडर कार गाइस, तो पहले ही बता दूँ थोड़ा बहुत नेचर होता है 3 सिलेंडर का, जो नॉइजी और जो वाइब्रेशन रहता है 3 सिलेंडर में। अब वो देखना है वो कितने हद तक कम हुआ है इस अपडेट के बाद। तो आज की वीडियो में हम यही जानेंगे कि ये जो अपडेट आई है इसके बाद इस कार में पर्टिकुलर जो NVH लेवल है वो कितना डाउन हुआ है, क्या सच में ये कार पहले से कम नॉइजी हो गई है और क्या सच में अभी वो वाइब्रेशन इशू जो था वो खत्म हो चुका है इस कार में। तो इस वीडियो में आज हम वो सब आपको बताएंगे, हम वो पूरा कंपैरिजन करेंगे। बिकॉज मैंने ऑलरेडी टाटा पंच इसका फर्स्ट BS6 फर्स्ट वेरिएंट यूज़ कर रहा हूँ, फर्स्ट जो फेज आता था वो यूज़ कर रहा हूँ। एंड ये जो अब फेज 2 कंप्लाइंट कार आई है, आज हम इससे कंपेयर करके देखेंगे कि सच में वो सब चीज़ें इससे रिजॉल्व हो गई हैं, जो इशू जो लोगों के मन में रहता है हमेशा ये डाउट कि यार वाइब्रेशन इशू है, नॉइजी है कार, तो क्या वो सच में कवर हुआ है। देख चलते हैं कार के अंदर और पहले देखते हैं कैबिन कितना साइलेंट हुआ है इसके बाद। कार के अंदर बैठते हैं एंड कार स्टार्ट करके देखते हैं कि अब कार में कैबिन नॉइज कितनी है। बिकॉज पहले की जो कार थी 3 सिलेंडर कार, उसमें कैबिन नॉइज थी, तो आज हम देखेंगे कि इस कार में कितनी कैबिन नॉइज रहेगी। तो लेट स्टार्ट द कार और उसके बाद देखते हैं कि अंदर कैबिन के अंदर कितनी नॉइज है एंड देन फिर हम बाहर से जाके देखेंगे कि बाहर कितनी नॉइज रह गई है कार में। तो अभी आप जैसे सुन सकते हो, पहले मैं AC ऑफ कर देता हूँ ताकि AC की भी वो ना रहे। AC ऑफ कर देते हैं इसका एंड अब देखते हैं कि कार के अंदर कितनी नॉइज है। अभी हम शोरूम में खड़े हैं तो कार काफी बाहर बिल्कुल साइलेंट है, तो इतनी नॉइज आपको अंदर आ रही है आप सुन सकते हो। तो यार अगर मैं कंपेयर करूं इसको पुराने जो मेरे पास जो मॉडल पड़ा हुआ है इसका BS6, अगर मैं उससे कंपेयर करूं तो यस नॉइज में काफी इम्प्रूवमेंट आई है, नॉइज इसकी कम हुई है एंड पहले जितनी कैबिन नॉइज नहीं है। पहले भी बिकॉज 3 सिलेंडर है तो थोड़ी ना थोड़ी तो इसमें नॉइज रहेगी, बट पहले से इम्प्रूवमेंट आई है, नॉइज पहले से काफ़ी कम हो गई है। पहले जितना नॉइज ही नहीं रहा कैबिन, अभी इसका कैबिन थोड़ा साइलेंट है। और इनफैक्ट मैं अगर यार ये सही बताऊँ तो जो पुराना मॉडल है अगर मैं उसकी बात करूँ तो उसमें भी इतनी नॉइज नहीं थी, लोग बोलते थे बट इतना नॉइजी नहीं था। हाँ 3 सिलेंडर है, थोड़ा नॉइजी है बट ज़्यादा नॉइजी नहीं था। और अभी अगर मैं कंपेयर करूँ पहले के मुकाबले तो इसकी यस डेफिनेटली इसकी नॉइज़ कम हुई है अंदर से। तो कैबिन में आपको उतनी नॉइज़ नहीं फील होगी जितना आपको पहले फील हो रही थी। BS6 के बाद जो इंजन हुआ है वो थोड़ा और रिफाइन हुआ है और जो रिफाइनमेंट है वो दिख रही है, बिकॉज वो अब आपको नॉइज़ यहाँ पे अब फील नहीं हो रही है। 3 सिलेंडर इंजन है। अगर बात करूँ कार में वाइब्रेशन की तो कार अभी स्टार्ट है, आपको
सिर्फ एक हल्की नॉइज आ रही है, बट आपको कोई वाइब्रेशन कार में फील नहीं होगी। ऐसा नहीं लग रहा कि कार, ये थ्री सिलेंडर इंजन जो होता है, जो वाइब्रेट करता है, वो वाइब्रेशन कार में अभी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। इनफैक्ट कहीं पे भी आपको स्टेरिंग में, गियर्स में, कहीं पे भी आपको वो वाइब्रेशन फील नहीं होगी। कार स्टार्ट है बट वो फील नहीं हो रहा कि कार स्टार्ट है, वो बिकॉज वो वाइब्रेशन अभी इस जो ये इंजन रिफाइन होके आया है इसका, उसके बाद जो इंजन, जो BS6 अपडेट हुई है नॉर्म 2, वाइब्रेशन थी वो भी काफ़ी हद तक कम हो चुकी है कार में, और अभी फिलहाल ना के बराबर वाइब्रेशन है कार पे। अब मैं आपको बाहर चलता हूँ और बाहर जाके दिखाता हूँ कि कार में बाहर से कितना साउंड आ रहा है। पहले हम इसका बोनट ओपन करते हैं एंड देन देखते हैं कि कार में बाहर कितना साउंड। तो आप बाहर से भी इसका साउंड देख सकते हैं कि इंजन में कितना नॉइज़ रह गया। नॉइज़ काफ़ी हद तक कम हो गया है BS6 अपडेट के बाद, जो सेकंड नॉर्म आया है उसकी अपडेट के बाद इसका जो नॉइज़ है, इंजन नॉइज़ भी, वो भी काफ़ी हद तक कम हो चुकी है। तो आपको उतना फील नहीं होगा जितना पहले फील होता था। इंजन अभी बोनट ओपन है, उसके बाद भी कार इतना ज़्यादा नॉइज़ नहीं कर रही है। तो वो जो अपडेट आया है उसके बाद इसका इंजन थोड़ा रिफाइन हुआ है और वो नॉइज़ भी इसमें कम हो गया। तो अब पहले जितना नॉइज़ आपको कार में नहीं फील होगा, क्योंकि इस BS6 नॉर्म के बाद जैल ऑब्वियसली जो इंजन दोबारा से ट्यून किए जाते हैं, और दोबारा से जो इंजन ट्यून करने के बाद जो इंजन रिफाइन हुआ है, उससे वो जो नॉइस थी वो काफ़ी हद तक कम हो चुकी है कार पे। तो अगर मैंने जैसे आपको दिखा दिया बोनट ओपन करके भी, बोनट ओपन करने के बाद कितनी नॉइस रह गई है कार में, अब बिकॉज का बोनट क्लोज करके भी मैं आपको दिखाता हूँ बाहर से कितनी नॉइस रह गई है। कार स्टार्ट है, अभी आप फील कर सकते हो जितनी नॉइज़ आपको आ रही है, इतनी नॉइज़ स्टार्ट में ये फील दे रहा है। तो ज़्यादा नॉइज़ नहीं रह गई अब कार में, काफ़ी हद तक कम हुई है इसकी नॉइज़। तो वो जो थ्री सिलेंडर का जो नेचर है यार, उससे थोड़ी बहुत नॉइज़ तो रहेगी, बट उतनी ज़्यादा नॉइज़ नहीं रह गई अब कार में, और कार में काफ़ी हद तक नॉइज़ कम हो चुकी है इस अपडेट के बाद। तो यार जो आप लोगों की क्वेरीज थी, पहले इंजन कार ऑफ कर देते हैं, उसके बाद बात करता हूँ आपसे। तो यार आप लोगों की जो क्वेरीज थी इसी रिगार्डिंग कि यार कार हम ले तो रहे हैं बट कार में नॉइज़ है और नॉइज़ इशू आता है थ्री सिलेंडर होने के वजह से, तो वो इशू अब काफ़ी हद तक रिजॉल्व हो गया है इस कार में, एंड काफ़ी हद तक नॉइज़ और जो वाइब्रेशन का इशू था वो कम हो गया है कार में। तो अब वो इशू आपको पहले जैसा फील नहीं होगा, एंड जैसे मैं पहले ही बोलता था इस सेगमेंट में ये कार सबसे बेटर है अभी तक की, बिकॉज इस सेगमेंट में अभी ये रूल कर रही है कार, इस और कोई कार इस सेगमेंट में इसके कंपटीशन में नहीं है। तो अगर आप इस रेंज में कोई कार ढूंढ रहे हो तो ये आपके लिए बेस्ट कार हो सकती है, डिस्पाइट अब आप वो अच्छी चीज़ें भूल जाओ कि थ्री सिलेंडर की वजह से आपको ज़्यादा नॉइज़ और ज़्यादा वाइब्रेशन देखने को मिलेगा। वो नॉइज़ और वाइब्रेशन आपको उतना नहीं देखने को नहीं मिलेगा इस कार में, बिकॉज जो नॉर्म्स के बाद, जो BS6 नॉर्म 2 सेकेंड नॉर्म के बाद जो अपडेट आई है, उसके बाद ये कार काफ़ी हद तक और ज़्यादा इम्प्रूव हो गई है। अब कि माइंड में अगर कोई भी डाउट है इस कार से रिलेटेड, आप मुझसे वेरी में सेक्शन में पूछ सकते हो। मैंने ऑलरेडी पंच के बारे में काफ़ी वीडियोस बनाई हैं और अपना मैंने एक्सपीरियंस खुद का शेयर किया है, और आज जब मैं इस कार को दोबारा देखा है अपडेट के बाद 2023 मॉडल, तो मैं आपको फिर से बता रहा हूँ कि ये कार अब पहले के मुकाबले में इस काफ़ी ज़्यादा रिफाइन हो गई है, इसकी नॉइज़ और इसकी वाइब्रेशन पहले से मुकाबले में काफ़ी ज़्यादा कम हो गई है। तो अगर आप में से कोई भी इस कार को ऑप्ट करना चाहता हो अभी भी, तो इस कार को बेझिझक आप ऑप्ट कर सकते हो, और विदाउट एनी डाउट आप इस कार की तरफ जा सकते हो, बिकॉज इस समय ये एक वैल्यू फॉर मनी कार है अगर आप इस सेगमेंट में कोई कार देख रहे हो। गाइस इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।